हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जनाब की किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सरसों का साग आलू की सब्जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना, दो सूखी मिर्चें डालेंगे, दो मीडियम साइज के आलू हैं छोटा छोटा काट लिया, इनको डाल देते हैं। इनको एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 6 से 7 हरी मिर्चें ली, इनको काट लिया छोटा छोटा, ये डाल देंगे। ये हमने लाही का साग लिया था, हमने धो लिया था, इसको काट लिया है, इसको डालते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, लाही आने लगी है, तो लाही ज़रूर खाना चाहिए हमको। अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, इसको मिला लेंगे। इसको ढक देंगे हम मीडियम फ्लेम पे, इसको पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए खोल के देखते हैं। ये देखिए भुनने पर है बिल्कुल, 1-2 मिनट इसे और हम भूनेंगे। सादा साग तो आपने बहुत बार खाया होगा, कभी आलू सरसों का साग आलू डाल के बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। साग हमारा भुनते भुनते 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए गैस को बंद करते हैं। ये तैयार है, गैस को प्लेट में निकालते हैं। हमारी रेसिपी बनके तैयार है आलू साग। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा बना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।